हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली द नेकलेस बाय गाय डी पोसेंट द्वारा ये पोयम करेंगे। तो आइए आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाई डिड मैटिल्डा नॉट लाइक टू विजिट हर रिच फ्रेंड? मैटिल्डा अपने रिच फ्रेंड के घर क्यों नहीं जाना चाहती थी? तो मैटिल्डा ऑलवेज थॉट, उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वो पैदा हुई है लक्सीरियस लाइफ जीने के लिए, enjoying big parties, अच्छे अच्छे parties को enjoy करने के लिए। But she had married to a clerk, पर उसकी शादी एक क्लर्क से हो गई जो कि उसे इतनी luxurious life नहीं दे सकता था। जब भी Matilda visit करती अपनी rich friend Mimi के घर, तो forestier home के बारे में वो जानती कि वो कितनी वो poor थी। But that is why she did not want to see her rich friend, और इसी वजह से वो जलती थी अपनी रिच फ्रेंड से और उसे उसके पास जाने का मन नहीं करता था। तो व्हाट डिड मैटिल्डाज हस्बैंड सेव द मनी? मैटिल्डा के हस्बैंड क्यों मनी बचा रहे थे और उससे उन्होंने क्या किया? तो मैटिल्डा के हस्बैंड ने सेव की थी मनी टू बाय अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू बाय अ गन फॉर हिम, उनकी अपने लिए गन खरीदने के लिए। बट When his wife refused to attend the party, पर जब उसकी वाइफ ने बिना न्यू ड्रेस के पार्टी अटेंड करने से मना कर दिया, तो उन्हें अपनी गन खरीदना छोड़ना पड़ा और पैसे से क्या खरीदना पड़ा? ड्रेस। आगे, What did Mimi Forestier tell Matilda about the reality of her necklace? तो after having lost the borrowed necklace, तो Matilda replaced it with a diamond necklace. तो उसने उसको diamond necklace से रिप्लेस कर दिया जो कि 36,000 francs का था। But Mimi Forestier ने उसे बताया that जो necklace था उसकी तो सिर्फ cost 500 francs थी। आगे, How did Matilda ने avoid किया अपना reunion? What caused her? तो जो कॉज था मैटिल्डा रियून का वॉज वर डिससेटिस्फेक्शन, उसकी डिससेटिस्फेक्शन थी, तो इसी की वजह से वो कभी हैप्पी नहीं रह पाई। इसी वजह से उसने अपनी जो जिसमें जितनी उसकी लाइफ में है चीज़ें उसी में खुश रहना समझा। अब आर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट आर सरकमस्टांसेस, तो हमारी जो इनएबिलिटी होती है एक्सेप्ट करना सरकमस्टांसेस को, इससे हमें एक अनहैप्पी लाइफ मिल सकती है। एक्सप्लेन करें पोएम नेकलेस से, तो आप इस तरह से पूरा लिखेंगे। इट इज एब्सोल्यूटली ट्रू आर इनस्टेबिलिटी टू एक्सेप्ट अवर सरकमस्टांसिस में लीड टू एन अनहैप्पी लाइफ, मैथिल्डे इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। तो इस तरह से आप ये पूरा लिखेंगे, पूरा 5 पैराग्राफ का आंसर है आप लोगों का। अगला, वॉट चेंजेस केम इन द लाइफ स्टाइल ऑफ मैटिल्डा? मैटिल्डा की लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आए? तो मैटिल्डा की जो लाइफ थी उसने एक चेंज लिया एक वॉस्ट में, एक बहुत ही गलत हालत में, जब उसका नेकलेस खोया, क्योंकि इंस्टीड ऑफ स्वेलोंग हर प्राइड उसने अपना प्राइड तो खोया साथ में उसकी इज्जत भी खराब हुई। शी गोज आउट ऑफ हर वे, और वो अपना जो नेकलेस था उसका खो गया था उसको बेचने के लिए अपना सब कुछ उसने बेच दिया उसको वापस करने के लिए। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।